जी मैम आपका परिचय। जी मेरा नाम सुरभि है और ये जो आज आपने कराया जो प्रोग्राम बनाया जी यहाँ पे ठंड से बचने के लिए एक रोटे की उम्मीद जानवर की सोच को इंसानी सोच में बदल देती है, क्योंकि वो जानवर एक रोटे के लिए इंसान से ही उम्मीद करता है, लेकिन हम उसे घर से दुत्कार कर भगा देते हैं, क्योंकि वो किसी का वोट बैंक नहीं है। लेकिन इस कपकपाती ठंड में हम आपको एक ऐसे इंसान से रूबरू कराने जा रहे हैं जो मानवता की सीढ़ियों को और भी मजबूती की ओर ले जाती है। वो है सहारनपुर सिटी मजिस्ट्रेट की पत्नी सुरभि। सुरभि सड़कों पर आवारा जानवरों के लिए एक ऐसी मिसाल पैदा कर रही हैं जो वाकई काबिले तारीफ है। इस कड़ाके की ठंड ने हर किसी को कपा दिया है, इंसान से लेकर जानवर तक हर कोई इस सर्दी के सितम से बच नहीं रहा है। हाँ इतना जरूर है कि इंसान के पास इस ठंड से बचने के लिए हर वो व्यवस्था है जो हार्ड कपा देने वाली इस ठंड को मात देने में सक्षम है, जो एक उम्मीद की आस में जिंदगी गुजार देती है। लेकिन इस धरती पर कुछ योनि ऐसी भी है, उसे हम आवारा जानवर के रूप में कुत्ता कहते हैं। लेकिन ये सबको जान लेना चाहिए कि पेट में भूख और शरीर में ठंड का एहसास उसे भी होता है, रोटी उसे भी चाहिए, सर्दी से बचाव उसे भी चाहिए। लेकिन इसके लिए सोचने की जरूरत है। मेरा नाम सुरभि है और ऐसी ही सोच इंसान के अंदर पैदा करने का बीड़ा उठाया है सिटी मजिस्ट्रेट की पत्नी सुरभि ने। सुरभि ने मानवता की मिसाल ऐसे पेश की कि इंसान की सोच ही बदल जाए। सिटी मजिस्ट्रेट की पत्नी सुरभि गंतव्य चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हैं। रास्ते में किसी भी आवारा जानवर को दर्द होता है तो सुरभि दौड़कर उसे अपने सीने से लगाती हैं और उसे हर सुविधा देती है। इतना ही नहीं, उसके दर्द में शरीक होकर उसे अपने पर का एहसास भी करती है। हमने स्ट्रीट डॉग्स के लिए हाउसेस बनाए हैं, जो कि अभी ऑल ओवर सिटीज में ये 50 हाउसेस होंगे। फिलहाल सुरभि ने सड़कों पर घूम रहे बेजुबान आवारा जानवरों को विशेष उपहार दिया। उन्होंने सहारनपुर शहर के बीचों बीच मुख्य स्थानों पर लकड़ी के डॉग हाउस बनवाए। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में लगातार तापमान में गिरावट है। मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर चल रही है, ऐसे में सुरभि नई पहल शुरू कर आवारा जानवरों के लिए काम कर रही हैं। सुरभि अपनी टीम के साथ ठंड से कांपते हुए कुत्तों के लिए छोटे छोटे घर बनाकर उनमें गर्म कपड़े बिछाकर आसरा दे रही हैं और साथ में उनके खाने का प्रबंध भी कर रही हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि उनका भी हक है कि वो भी ठंड से बच सके, और तो हमने उनके लिए ये हाउस बनाया है और इसमें दो बाउल्स भी रखे गए हैं ताकि जो लोग हैं उसमें खाना डाल सके, और कभी घर में खाना बच जाता है तो वो कूड़े में फेंकना नहीं चाहते तो वो आके इसमें डाल सकते हैं, पानी दे सकते हैं ताकि जानवर आएगा इसमें और आराम से सो सकेगा और खाना खा सकेगा। कहें तो हम इंसानों से ही मिल गई कि हमें भी इतनी ठंड लग रही है।
इतना ही नहीं, आमजन को भी सुरभि संदेश दे रही हैं कि अपनी तरह इन जानवरों को भी ठंड से बचाना इंसान का ही काम है और हमें इसके लिए आगे आना चाहिए। गली मोहल्लों में अगर कोई जानवर ठंड से कांपता दिखाई देता है तो सुरभि उसे बचाने के लिए कितना भी जरूरी काम छोड़ देती है। फिलहाल सुरभि ने ऐसे ही आवारा जानवरों के लिए शहर में 50 डॉग हाउस बनवाए हैं और उनके लिए खाने का प्रबंध करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। समय जरूरी है कि उन्हें ठंड से बचाया जाए, तो आप प्लीज उनको अलाउ कर दें उस स्पेस में सोने के लिए ताकि वो। उनका कहना है कि घर में बची हुई रोटी फेंके नहीं, इन जानवरों के लिए बचाएं क्योंकि इनमें भी हमारी बहुत लोग अपने घर के सामने से भगा देते हैं और वो नहीं चाहते कि गंदगी हो, लेकिन इस समय बहुत ज्यादा ठंड चल रही है तो उन्हें थोड़ा सा स्पेस देना बहुत जरूरी है अपने घर के सामने। जी RBS भारत लाइव टीवी पर खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट दें।